एशिया कप 2023 में सुपर फोर इंडिया और श्रीलंका के मुकाबले के बाद टीम इंडिया एशिया कप 2023 के फाइनल में पहुंच गई है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले भारत की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। टीम इंडिया के ओर से रोहित शर्मा ने 53 रन की पारी खेली। उसी के साथ साथ टॉप परफॉर्मेंस सेकंड नंबर में केएल राहुल 39 रन बनाए और बाकी के सभी टीम इंडिया के बल्लेबाज ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन टीम इंडिया ने 214 रन का टारगेट दे दिया। उसके बाद श्रीलंका के ओपनर बैटिंग करने के लिए आए। उसी के साथ साथ भारत की टीम के ओपनर्स ने और सभी बल्लेबाज ने जैसा परफॉर्मेंस किया, उसी तरह से श्रीलंका के बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस किया। इस पिच पर स्पिन गेंदबाजी चल रही थी। श्रीलंका के कोई बल्लेबाज ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने आखिर में अच्छी फाइट दिखाई। उसी के साथ साथ श्रीलंका के बल्लेबाजों ने 214 रन को चेज नहीं किया और पॉइंट टेबल की बात की जाए तो टीम इंडिया एशिया कप 2023 के फाइनल में पहुंच गई है। उसी के साथ साथ दूसरे नंबर में श्रीलंका की टीम है 2 पॉइंट्स के साथ, तीसरे नंबर में पाकिस्तान की टीम है 2 पॉइंट के साथ और चौथे नंबर में बांग्लादेश की टीम एशिया कप 2023 से बाहर हो गई है। तो दोस्तों, आज के मैच में श्रीलंका की टीम हार गई है। इसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला होना है और उसके बाद बांग्लादेश और टीम इंडिया का मुकाबला होना है। तो दोस्तों, टीम इंडिया एशिया कप 2023 के फाइनल में पहुंच गई है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।